शॉट खास करके जो विराट ने खेला अगेंस्ट राशि टू ब्रिंग इज 50 वॉज अ ब्रिलियंट शॉट। आई थॉट कि उन्होंने देखा लेग स्पिन डाला हुआ है, उसकी लेंथ थोड़ी पास में थी उनके पैर के, और लास्ट मोमेंट में उन्होंने रिस्ट के हेल्प से उसको एलिवेशन दिया है। टॉस जीतकर गुजरात ने पहले बैटिंग की, आई वॉज रियली सरप्राइज, और बेंगलुरु के कैप्टन भी डुप्लेसी ने, उन्होंने भी कहा कि मैं पहली बैटिंग करता था, रियली सरप्राइज, क्योंकि विकेट शुरू में थोड़ा ग्रिप कर रही थी, एंड इफ यू नोटिस फास्ट बॉलर का बॉल थोड़ा स्विंग हुआ मगर स्पिनर ने ज्यादा तकलीफ दी, तो आई वॉज रियली सरप्राइज। कोई बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप नहीं थी, गिल जल्दी आउट हुए, थोड़ा टेंटेटिव फुटवर्क लगा जहां पे जिस गेंद को वो आउट हुए वो। वृद्धिमान शाह एक अंडररेटेड प्लेयर है, मैं उन्हें बहुत अच्छा रेट करता हूं क्योंकि वो डेंजरस प्लेयर है, सब जगह शॉट्स मार सकते हैं और चाहे वो फास्ट बॉलर रहे या स्पिनर, मगर उनके जो शुरू का जो फ्लो था उन्हें ज्यादा स्ट्राइक नहीं मिला कंसिस्टेंटली। जब बैट्समैन अच्छी बैटिंग कर रहा है तो उन्हें स्ट्राइक देना जरूरी होता है, उनको स्ट्राइक मिला नहीं जितना चाहिए था उतना। उनके और मैथ्यू वेड के बीच में थोड़े समय के लिए ऐसा लगा कि वो कुछ कर दिखाएंगे दोनों मिलके, मगर मैथ्यू वेड बहुत अनफॉर्चुनेट थे कि उन्हें खराब डिसीजन मिला, अकॉर्डिंग टू मी क्लियर डिफ्लेक्शन था। Acer Swift Laptops. मगर उसके पहले का उनका बैटल विथ हेजलवुड वॉज रादर इंटरेस्टिंग। हेजलवुड को वो अच्छी तरह से जानते हैं और वो हेजलवुड नॉर्मली हार्ड लेंथ हिट करते हैं, तो बॉल एक्चुअली जो पुल किया मैथ्यू वेड ने उसे, वो बॉल शॉर्ट नहीं था, थोड़ा आगे था, मगर उन्हें पता था कि हेजलवुड वही लेंथ करने वाले हैं। फिर वो जो मेंटल बैटल था दोनों के बीच में वो मुझे पसंद आया। अगला बॉल वो आगे के लिए रुके हुए थे, उन्होंने मारा और उस ओवर में उन्होंने 15 रन लिए, ताकि बीच में मैक्सवेल ने और हेजलवुड ने मिलकर सिर्फ 3 ही रन दिए थे दो ओवर में, उससे गुजरात पे प्रेशर बढ़ा था। हार्दिक की पार्टनरशिप शाह के साथ ज़्यादा हो नहीं पाई क्योंकि वो एक, मुझे लगा कि रिस्की रन था, वो एक अवॉइड कर जाते तो कोई गर्ज नहीं था, वो थोड़ा जजमेंट गलत रहा और वहाँ पे शाह आउट हुए, विच वॉज अ बिग ब्लो टू गुजरात। उसके बाद हार्दिक ने और मिलर ने पार्टनरशिप की, इट स्टार्टेड लुकिंग डेंजरस, मगर उसी समय उन बेंगलुरु के की बॉलर हसरंगा, he has been so successful throughout the season, he has come, he has given breakthroughs, he has been extremely economical, brilliant bowling by Hasaranga. और बेंगलुरु को बीच में एक बड़ा धक्का भी लगा क्योंकि हर्षल इंजर्ड हुए, हसरंगा के साथ हर्षल उनके मेन बॉलर है, तो जब आपके मेन बॉलर को इंजरी होती है और वो अपना पूरा कोटा नहीं कर पाते तो थोड़ी घबराहट होती है, डगआउट में थोड़ी बातें चलती है इधर उधर, और वही हुआ, मगर बॉल ग्रिप कर रहा था इसलिए स्पिनरों के साथ काम चला पाए। हार्दिक पांड्या, मुझे लगा कि उनका स्कोर अच्छा था, इनिंग्स उनके लिए इम्पॉर्टेंट थी, मगर जो स्ट्राइक रेट पे वो बैटिंग करते हैं उस स्ट्राइक रेट पे वो जा नहीं पाए। 168 लुक्ड अ गुड टोटल बट अकॉर्डिंग टू मी इट वॉज नेवर अ विनिंग टोटल, क्योंकि एक बार जब रोल चलता है विकेट पे वानखेड़े के तो दूसरी बैटिंग करते हुए बॉल बड़ा अच्छा आता है बैट पे, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड व्हेन बेंगलुरु स्टार्टेड बैटिंग। Acer Swift Laptops. मैच के सेकंड हाफ में बेंगलुरु ने अपनी शुरुआत बहुत अच्छी की शमी के खिलाफ, जब शमी शुरू में हमेशा विकेट दिलवाते हैं और वो एक सक्सेसफुल बॉलर रहे हैं पूरे सीजन, मगर इस मैच में फाफ और विराट दोनों ने बहुत अच्छी बैटिंग की। शुरू में एक दूसरे मिसेस यहाँ वहाँ पे हुए, एक कैच भी ड्रॉप हुआ, दैट इज ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम, मगर जिस तरह से जो पॉजिटिविटी मुझे दिखाई दी बेंगलुरु बैट्समैन की तरफ से मुझे बहुत पसंद आई, और विराट ने इनिशिएटिव लिया कि जिस तरह से उन्होंने अटैक करना शुरू किया, और इस मैच में मुझे एक चीज़ बहुत पसंद आई वॉज अ प्रिसिशन इन हिज फुटवर्क, और जो कहते हैं कि बैट का फुल फेस दिखाना, वो फुल फेस दिखाई दिया मुझे,
And I really liked that. The strike rotation was superb. और दोनों बैट्समैन बहुत फिट हैं. उनकी रनिंग बिटवीन द विकेट्स लाजवाब थी. वो सिंगल्स को टूज में कन्वर्ट कर रहे थे और कॉन्स्टेंटली फील्डिंग साइड पे प्रेशर डाल रहे थे. एक शॉट खास करके जो विराट ने खेला अगेंस्ट राशि टू ब्रिंग हिज 50 वाज अ ब्रिलियंट शॉट. आई थॉट कि उन्होंने देखा लेग स्पिन डाला हुआ है, उसकी लेंथ थोड़ी पास में थी उनके पैर के, और लास्ट मोमेंट में उन्होंने रिस्ट के हेल्प से उसको एलिवेशन दिया है. मगर मुझे वो बहुत पसंद आया क्योंकि इट वॉजेंट अ वाइल्ड स्लॉग एट ऑल. उन्होंने अच्छी तरह से बॉलर को रीड किया लेग स्पिन, और जो लेंथ थी वो आगे थी. लास्ट मोमेंट पे उन्होंने वो शॉट मारा है, तो वो शॉट मुझे बहुत पसंद आया. ओवरऑल विराट बैटेड ब्रिलियंटली आई फेल्ट, एंड फाफ प्लेड अ सुपर्ब सपोर्टिंग रोल. That was smart cricket by Bengaluru, because it was important that they did not lose early wickets. The partnership was a game-changing partnership. Maxwell आए और पहली गेंद को almost out हुए थे. Bale का color भी लाल हो चुका था, मगर Bale वो did not get dislodged. I don't know कि Bale की weight की वजह से था वो, या stump पे जो grooves होते वो थोड़े ज़्यादा deep थे इसलिए Bale dislodged नहीं हुई. इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क. मगर मैक्सवेल की जो इनिंग्स थी वो टिपिकल एंटरटेनिंग T20 इनिंग्स थी. मजा आया देखने उसकी बैटिंग का, और खास करके जो एक शॉट खेला जो हार्दिक को रिवर्स स्वीप पे छक्का मारा, दैट वाज आल्सो समथिंग स्पेशल. राशिद ने उनका काम किया था, उन्होंने प्रेशर डाला हुआ था बैटिंग साइड पे, और उन्होंने दो विकेट्स भी लिए, क्रूशल विकेट्स थे वो. थोड़ी देरी के बाद लिए, मगर वो एक तरफ से उनका रोल कर रहे थे मुझे लगा. हार्दिक ने मैच के बाद कहा कि बॉल थोड़ा सा ग्रिप कर रहा था इसलिए उन्होंने फास्ट बॉलर्स को थोड़ी कम बॉलिंग दी. मे बी अगर लॉकी फर्ग्यूसन आते या शमी को वापस लाते बीच में ब्रेक थ्रू दिलवाने के लिए, तो हु नोज, मैच में हैव बीन टाइटर, मोर क्लोजर. ऑल इन ऑल आई फेल्ट बेंगलुरु डोमिनेटेड द गेम थ्रू आउट. गुजरात को कोई मौका नहीं था. कहीं भी ऐसे नहीं लगा कि गुजरात गेम में है या जीत सकते हैं यहां से गुजरात. बेंगलोर डोमिनेटेड द गेम.